फ्रॉम आध्यात्म इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम उस पावर शेयरिंग के बारे में बात करने वाले होते हैं जो गवर्नमेंट के पास होती है। इट मींस दैट द पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी नेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज होती है, और उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो सबसे अच्छा मीडियम होता है वो क्या होता है? वो होता है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली उन पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट के पास होती है। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, जिसमें ये हमारा पहला लेक्चर होगा, और इस लेक्चर में हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, और तीसरे लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पावर शेयरिंग के मीनिंग को यहां पर समझते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गन्स होता है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी पावर को शेयर करता है एक दूसरे के साथ। क्यों पावर को शेयर करता है? ताकि वो एक दूसरे को चेक कर पाए। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इट इज एन आइडिया इनकल्केटेड इन डेमोक्रेसी सो दैट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड ओनली एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप अ चेक ऑन ईच अदर। इट मींस दैट कभी भी कोई भी पावर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है तो क्या होता है? तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाता है। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा रूल क्या होता है? डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा रूल होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को क्या करती है? शेयर करती है, और इस तरह से शेयर करती है जिससे सब एक दूसरे की पावर को क्या कर पाए? चेक कर पाए। सब एक दूसरे के जो फंक्शंस होते हैं, जो वर्क्स होते हैं, उनको क्या कर पाए? चेक कर पाए। इंडिया एक एग्जाम्पल है होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन का, जहां पर इंडिया जो होता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है वो पावर को शेयर करती है किसके साथ? कंस्टिट्यूट यूनिट्स के साथ। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। अब यहां से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला आ रहा है हमारा सेक्शन जिसका नाम है केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, और ये इतनी छोटी कंट्री है कि हमारे इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा वो भी इससे बड़ा है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो बेल्जियम की पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ के आसपास है, जबकि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। एथनिक कंपोजिशन की बात करूंगा थोड़ी देर बाद, मगर पहले इसी के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम जो है, बेल्जियम एक बहुत सुंदर कंट्री है, और इसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर देश प्रेजेंटेड है, बहुत सुंदर सुंदर कंट्रीज प्रेजेंटेड है, जिनमें फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और ल्यूजेम्बर्ग, ये 4 कंट्रीज बॉर्डर होते हैं जो शेयर करते हैं किसके साथ? बेल्जियम के साथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं एथनिक कंपोजिशन की बात करूं कि बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो जनरली जो बेल्जियम है वहां पर 2 तरह के लोग रहते हैं। जनरली बोल रहा हूं, मेजोरिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, वैसे तो 3 तरह के रहते हैं। पहले रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल्स, दूसरे रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स, और थर्ड रहते हैं जर्मन पीपल्स। अगर मैं बात करूं ऊपर वाला जो पार्ट आपको ब्लू वाला, येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये फ्लेमिश रीजन है, और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच कम्युनिटी के पीपल्स। कितने परसेंट है? 59% पीपल एग्जिस्ट करते हैं यहां पर। नीचे वाले पार्ट की बात करूं जो हम बोल रहे हैं वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन में रहते हैं फ्रेंच कम्युनिटी के लोग। कितना है? 40% पीपल एग्जिस्ट करते हैं। ये जो ब्लू कलर का शेडेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वो रीजन है जहां पर जर्मन पीपल्स रहते हैं, और पूरी कंट्री में जो जर्मन पीपल्स का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% है। फ्रेंड्स, ये आपको बीच में छोटा सा एक ऑरेंज कलर का एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ये बेल्जियम के बिल्कुल सेंटर में है, और ये है बेल्जियम की कैपिटल जिसको हम कहते हैं ब्रुसेल। मगर अगर मैं कंट्री के बेस पे बात करूं और अगर मैं कैपिटल के बेस पे बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। अगर मैं बेल्जियम की कंट्री के बेस पे बात करूं तो 59% पीपल डच कम्युनिटी को एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 40% पीपल जो है फ्रेंच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बट अगर मैं इस कैपिटल की बात करूं जिसका नाम है ब्रुसेल, तो यहां पर 80% पीपल्स फ्रेंच हैं, और 20% पीपल्स जो है वो डच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं।
अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर आप क्या ये कहना चाहते हो कि कंट्री में डच कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में हैं और अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो यहां पर डच कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में है। यस बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कंट्री में डच कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में है जबकि कैपिटल में डच कम्युनिटी के लोग जो है वो माइनॉरिटी में है। अब यहां पर एक चीज और है कि जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं जो कि कंट्री में माइनॉरिटीज में है, ये रिच है, अमीर है और ये पावरफुल भी है। क्योंकि ये रिच और पावरफुल है इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है और जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है वो जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं उनका पहले से हो चुका है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स जो है वो इस चैप्टर में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में बिगड़ती हुई दिख रही है। कब? 1950s और 60s में। 1950s और 60s में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में तनाव होने लगा, उनके बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी। क्यों टेंशन क्रिएट होने लगी? मैंने अभी भी बोला था क्योंकि डच कम्युनिटी के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और उनके जो बच्चे हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे क्योंकि डच कम्युनिटी के लोग क्या थे? पुअर थे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से आएगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा उस कंट्री की गवर्नमेंट से। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम्स अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो बेल्जियम है उसका डिवाइडेशन हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे और सिविल वॉर क्रिएट होगा और बहुत ज्यादा एक मैसिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी। तो बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज करना स्टार्ट किया कि अगर ये इसी तरीके से प्रॉब्लम चली गई तो हम कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, मॉडिफिकेशन करना चालू करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने फोर बार मेजर तरीके से उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया 1970 से लेकर 1993 तक, ताकि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा सके जो पीपल्स की नीड को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, जो डच कमिटी को भी सेटिस्फाइड करे, जो फ्रेंच कमिटी को भी सेटिस्फाइड करे, जो जर्मन कमिटी के लोगों को भी सेटिस्फाइड करे। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, आइए समझते हैं। जो पहली स्टेप थी वो थी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ डच एंड फ्रेंच पीपल्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बेल्जियम के लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच कमिटी के लोग और फ्रेंच कमिटी के लोग होंगे दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये नोट डाउन किया गया कि नो सिंगल कमिटी मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, कोई भी सिंगल कमिटी जो होगी वो डिसीजंस को कभी भी अपने बेस पे नहीं ले सकती है। डिसीजंस कब तक नहीं होगा, डिसीजंस तब तक नहीं होगा जब तक मेजोरिटी पीपल्स जो है उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर देते। थर्ड पॉइंट क्या है, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राइट, ताकि सभी मिलजुल के क्या कर पाए, काम कर पाए। एक बार पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसके बाद वो उस पावर को वापस नहीं ले सकता है। कौन नहीं ले सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को वापस नहीं ले सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, ठीक है। और सब अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगा और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा जवाब देने के लिए। कौन, स्टेट गवर्नमेंट, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज दैट इज फ्रेंच एंड डच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जब कंट्री के अंदर डच कम्युनिटी के लोगों ने गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया तो ये फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी कैपिटल में भी क्या करेगी, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी और ऐसा फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों ने किया भी। लिखा हुआ है ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज दैट इज फ्रेंच एंड डच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो हमारी कैपिटल थी ब्रुसेल वहां पर भी एक नई तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसमें
जिस तरीके से डच कम्युनिटी के लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था कंट्री के अंदर, उसी तरीके से फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया कहां पर, कैपिटल सिटी ब्रुसेल में। नेक्स्ट पॉइंट, अ कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट, एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट थी ब्रुसेल में, बेल्जियम में एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो किससे मिलकर बनाई गई थी, जो बनाई गई थी डच कम्युनिटी के लोगों से, जो बनाई गई थी फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों से और जो बनाई गई थी जर्मन कम्युनिटी के लोगों से। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कल्चरल एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को ये क्या करते थे, सॉल्व करते थे। आइए अब इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया, देखिए इस रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया, तो बेल्जियम मॉडल इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज सक्सेसफुल। जनरली जब ये मॉडल स्टार्ट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, जब ये रन होना स्टार्ट हो गया, तो ये रियलाइज किया जाने लगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी इजी नहीं है, पीपल्स को अप्लाई करने में मुश्किल हो गई थी। पीपल्स की नजरों में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मगर इसके रिजल्ट जो थे वो बहुत जबरदस्त निकल के आ रहे थे। तो लिखा भी हुआ है बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज किया दैट द कंट्री यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजंस। तो यहां पर बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये समझा कि अगर कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल्स की फीलिंग और उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में ध्यान रख के काम करती है, तो कभी भी उस तरह की गवर्नमेंट कभी भी फेल नहीं हो पाती है। सो डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।